मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मां पूर्णा के उद्गम स्थल से भव्य चुनरी यात्रा निकाली और इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण मौजूद रहे। देखिए रिपोर्ट। रिमझिम बारिश के बीच में मां पूर्णा के जयकारों के बीच यात्रा शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए निकाली गई। यात्रा का जगह जगह स्वागत किया गया। यह यात्रा 5 किलोमीटर तक पैदल चलकर मां पूर्णा की पावन नदी में विधिवत आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम और कांग्रेस विधायक धर्मो सिंह सिरसाम के साथ समस्त भक्तगणों ने मां पूर्णा को चुनरी अर्पण की और क्षेत्र के किसान और क्षेत्र की जनता की खुशहाली की कामना मां पूर्णा से की गई। कार्तिक पूर्णिमा के पावन पर्व पर जो यहाँ पर जो हमारे रामू टेकाम के माध्यम से हम सभी हमारे धर्म प्रेमी बंधुओं के माध्यम से जो ये चुनरी यात्रा निकाली और मां पूर्णा मां ताप्ती इस क्षेत्र के लिए बहुत हम सभी क्षेत्रवासियों के लिए एक आस्था का केंद्र है और जो मां पूर्णा मां ताप्ती में जो भी हमारे लोग जो भी इससे जो हमारी मनोकामना को पूर्ण करती है और ये बहुत बड़ा आस्था यहाँ पर जो भी जो श्रद्धालु भक्त यहाँ आते हैं जो भी मांग करते हैं वो बिल्कुल उनकी मनोकामना पूर्ण होती है और यहाँ पर जो हमारे सभी युवा साथी कांग्रेस की पूरी टीम ने जो यहाँ पर बड़े उत्साह के साथ जो चुनरी यात्रा निकाली और उनकी जो मनोकामना वो पूर्ण होगी। पुनः हमारी आस्था मां पूर्णा से है। हमारे माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने और जिस क्षेत्रवासियों का मां पूर्णा के आशीर्वाद से भलीभूत हो, इस क्षेत्र का विकास हो, यही हमारी मनोकामना मां पूर्णा से करते हैं। मां पूर्णा मैया की चुनरी यात्रा कार्तिक पूर्णिमा के पावन अवसर पर पूरे क्षेत्र की जनता की सुख समृद्धि और जनता खुशहाल रहे, हमारे किसान खुशहाल रहे, माताएं बहनें सुरक्षित रहे और मध्य प्रदेश विकास की ओर आगे बढ़े, इसके लिए हमने ये मां पूर्णा जी की चुनरी यात्रा निकाली। उद्गम स्थल से हम लोग निकले और भारी जनसंख्या में लोग भरी बरसात में हमारे साथ पैदल चलते हुए यहां तक आए और क्षेत्र के हमारे जनप्रतिनिधि आदरणीय विधायक धर्म सिंह सिरसाम जी, हमारे रानू ठाकुर जी, हमारे नितिन कुबड़े जी, बहुत से हमारे ऐसे साथी जो हमारे साथ में पैदल चलते हुए यहाँ तक आए और क्षेत्र की सुख शांति के लिए हमने ये चुनरी चढ़ा करके माँ से मनोकामना पूर्ण की है कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में एक अच्छी सरकार बने, माननीय कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस की सरकार बने, ऐसी हमने कामना की है। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्य प्रदेश आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मां पूर्णा के उद्गम स्थल से भव्य चुनरी यात्रा निकाली और इस यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु और भक्तगण मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बैतूल।